सागर से बीजेपी सांसद लता वानखेड़े का कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद के सामने बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चुनाव में एक एक कार्यकर्ता ने 15-15 फर्जी वोट डाले। वीडियो में सागर दौरे पर पहुंची लता वानखेड़े के सामने एक कार्यकर्ता ये कह रहा है, सुनिए। लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए, हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़े, हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे, आज ये गलत परिपाटी चल रही है। सही तरीके से मतदान हमने करा तो जेल जाते तो हम जाते। लता वानखेड़े के सामने बीजेपी कार्यकर्ता के 15-15 वोट डालने वाले बयान के वीडियो के सामने आने के बाद एमपी के राजनीतिक गलियारे में बवाल मच गया है। सागर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे गुड्डू राजा मुंदेला ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। आपने देखा होगा आज जो वीडियो आपके सामने आया है, इसमें भाजपा का चेहरा उजागर हुआ है, लोकतंत्र की हत्या की है। मेरा इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से निवेदन है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और सागर लोकसभा का चुनाव शून्य कर देना चाहिए, इससे लोकतंत्र बचे और लोगों में विश्वास जगे। आपने देखा होगा 29 जो लोकसभा जीते हैं मध्य प्रदेश में, सभी सीटों पर उन्होंने इसी तरह से लोकतंत्र की हत्या की है और फर्जी वोट डाला है, मतदान किया है और सत्ता का दुरुपयोग किया है। मैं आप सबसे और सब कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अनुरोध करता हूं इस बात को उठाना चाहिए और जनता को भी देखना है कि इन लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं, इनको रोक। वहीं सागर मामले में पीसी शर्मा का बयान आया है कि पूरे प्रदेश में सागर की तरह घटना हुई है, बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग की, कांग्रेस के लोगों को बैठने नहीं दिया गया, किसी भी तरह सत्ता में रहना इनका मकसद है। और चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य रहता है, बूथ कैप्चरिंग करो, कांग्रेस के लोगों को बैठने मत दो, खरीद लो, किसी तरह भी सत्ता में रहना ये उनका मकसद है, चाहे वो ईवीएम सेट करो। तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिए, बीजेपी कार्यकर्ता सांसद के सामने कह रहे हैं 15 वोट मैंने डाले हैं 13 मतदान केंद्रों पर, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया लटेरी में। इत पूरा जो संवाद है, अब ये वीडियो वायरल हो गया है और कांग्रेस इस मामले में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गुड्डू राजा मुंदेला की बात आपने सुनी और अब पीसी शर्मा का बयान भी। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, कार्यकर्ता का की अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं नेता से और जब वो सामने आता है तो अब संवाद में कई चीजें भी सामने आ जाती हैं और इसी साफ गोई से कही गई बात को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से सागर का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, सागर जिले के लटेरी विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद दौरा करने पहुंची थी तो जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उनके द्वारा किसी काम की उनसे गुहार लगाई गई, तो उन्होंने काम के बदले में उनसे कहा कि थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, काम आगे जाकर आपका हो जाएगा, और उसी के जवाब में ये कार्यकर्ता कहता नजर आ रहा है कि हमने आपके लिए 15-15 वोट डाले हैं, यहाँ पर कई बूथ ऐसे थे जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट को बैठने तक नहीं दिया, और यदि हमने आप सबके लिए इतना किया है तो उसके बदले में अगर हम काम मांग रहे हैं तो आप इंतजार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये बात जो है वो केवल दो कुछ लोगों के बीच में ही हो रही थी, लेकिन चूंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में ये वीडियो अब सत्ता के गलियारों में तेजी से सामने आया है और इस पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी उसको अब बल मिलता जा रहा है। देखिए कांग्रेस लगातार एक पहले भी ये कह रही थी कि बूथ कैप्चरिंग की गई है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ही जुड़ गए हैं, लौटूंगी मैं आपके पास। अभिनव बरोलिया जी जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, आपका रिएक्शन सर इस पर, इस जो वीडियो सामने आया? देखिए आपके संवाददाता जो हैं शैलेंद्र जी, उन्होंने आज जनता की आवाज को और न्यूज 18 के चैनल को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उठाया, कम से कम चुनाव आयोग जागेगा। हम ये बात लगातार उठाते थे, जिस बात को अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वीडियो में आप सुन सकते हैं, क्लियर साफ साफ बोला जा रहा है कि 15-20 वोट हमने फर्जी डाले हैं। ये बात भाजपा के लोग सांसद से बोल रहे हैं, लता वानखेड़े जी वहां मौजूद हैं। अब ऐसी घटना जब घट रही है तो इस पे अब
रह क्या गया है बोलने के लिए और करने के लिए? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को कि आगे क्या इस पे कार्रवाई होगी। अब ऐसे इस बात को सुन के और रफा दफा नहीं करना चाहिए जिस तरीके से सरकार और भाजपा के नेता कर देते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो देखने को मिल रहा है जी। कि इतनी बड़ी घटना घट रही, पंद्रह कुछ कह रहा है व्यक्ति कि 15 से 20 वोट हमने फर्जी डाले, आप सोच सकते हैं किस लेवल पे फर्जी वोटिंग हुई। ठीक है, नेहा बग्गा भी जुड़ गई हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता है। नेहा बग्गा जी, आपका रिएक्शन, वीडियो आपने देखा सुना, किस तरह से कार्यकर्ता खुद कह रहे कि 15 वोट डाले हैं, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया है 13 मतदान केंद्रों पर। देखिए, हमने तो कांग्रेस के हर आचरण को देखा है, लोकसभा चुनाव हाल ही में निकला है, आप नहीं जानते कि डिफेक्ट किस तरीके से कांग्रेस ने किया, एआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया, टूल किट एजेंडा किस तरीके से चलाए, तो कांग्रेस को इसमें महारत हासिल है। कांग्रेस जिस प्रकार से वीडियोस को तरीके से आगे प्रचार प्रसार करती है जनता के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए, हमने देखा है। लिपसिंग कुछ और कहती है, शब्द कुछ और होते हैं, ये जो कांग्रेस के कृत्य हैं उससे जनता बहुत वाकिफ है। और इसीलिए चाहे आरक्षण समाप्त करने की बात, संविधान समाप्त करने का कांग्रेस का झूठा जुमला हो, या अब ये इस वीडियो की बात हो, ये कांग्रेस के आचरण में फेक हो सकता है, फेक हो सकता है, फेक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी केवल इसी के लिए जानी जाती है, फेक एआई के माध्यम से, डिफेक्ट के माध्यम से, टूल किट एजेंडा के माध्यम से जनता को भ्रमित करना। आप बताइए संविधान कहाँ समाप्त हो गया, आप बताइए कहाँ पर आरक्षण समाप्त हो गया, आप बताइए, फेक करार दे रही है। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए अभिनव जी, आपका भी शुक्रिया। शैलेंद्र, आपका भी धन्यवाद इस बातचीत के लिए।